तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हाँ. देखो मेरा सेटअप पूरा बैठ रहा है ग्रीन के साथ ओपन इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तो मतलब हमारा एक इंट्राडे, डे एक स्कैल पर उन सबसे ट्रेड कम होगा बहुत कम होगा तो मेरे ट्रेड्स कम होते हैं लेकिन सक्सेस थोड़ा बेटर रहता है कंपेयर टू अदर्स पुट को बेर पुट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो मेरी कॉस्टिंग कम हो गई ओके। वो कैसे किया आपने चलो मैं आपको अपना स्टाइल बताती हूँ हेलो एवरीवन आज फिर हम एक और पॉडकास्ट के साथ आए हैं और एक टेक्निकल और ऑप्शंस दोनों कंबाइंड करके एक पॉडकास्ट आए बट अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसकी पहले ऑप्शंस की भी हमने एक सीरीज अलग बनाई हुई है टेक्निकल्स की भी अलग सीरीज बनाई हुई है तो वो पार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर लर्निंग मिलेगी और एक थोड़ी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगी तो इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाके वो एपिसोड लाइन बाय लाइन देख सकते हैं आज के पॉडकास्ट में हम ट्राई करेंगे कि जो अब तक हमने टेक्निकल्स में सीखा है और ऑप्शंस में सीखा है उसको कंबाइन करके उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम वो सीखेंगे और आएंगे, उसका बनाएंगे। तो हम आ गए हैं एक और वीडियो के साथ और अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं जो हम कवर नहीं कर पाते हैं तो कॉमेंट करना ना भूले ताकि हम वो अगले पॉडकास्ट में कवर करें आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो ज्योति मैम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं हमने टेक्निकल्स का भी अच्छा कुछ कवर कर लिया है ऑप्शंस का भी कुछ अच्छा कवर कर लिया है तो आज हम क्या सीखेंगे दोनों को मिक्स करें देखिए ऐसा है और अगर हम सिर्फ जानते हैं तो भी पैसा कमा सकते हैं सिर्फ ऑप्शंस की डेटा रीडिंग करना ऑप्शन चेन स्टडी करना ऑप्शन स्ट्रेटजीज करना उससे भी हम पैसा कमा सकते लेकिन जब मैं दोनों को कंबाइन करके उसका यूज करती हूँ तो रिजल्ट थोड़ा और बेटर आ जाता है और मैं हमेशा इसी कोशिश में रहती हूँ कि थोड़ा और बेटर कर लूँ थोड़ा और बेटर कर लूँ बस इसी कोशिश में लगी रहती हूँ तो तो हम ऑप्शंस में ट्रेड कर लेंगे टेक्निकल्स को देख के चलो मैं आपको अपना स्टाइल बताती हूँ जैसे मैं ऑप्शंस में ट्रेड करती हूँ उसके लिए मैं टेक्निकल्स के साथ स्टार्ट करती हूँ साथ में उसमें कम्बाइन करती हूँ मैं एफ एन ओ डेटा भी और ऑप्शन चेन भी इन सब का कॉम्बिनेशन के साथ में जो ट्रेड बनता है मुझे पता है कि इसमें मुझे जो ट्रेड्स मिलेंगे वो रोज के दस बारह नहीं मिल के महीने के भी अगर दस बारह ट्रेड मिल जाए तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज द सक्सेस रेशियो इंक्रीजेस एक बार की बात है मैंने एक बहुत बड़े ब्रोकर हैं उनसे पूछा कि सर आपका नाम नहीं आया और दूसरे ब्रोकर का नाम आ गया इन टॉप थ्री कैटेगरीज जिन्होंने वॉल्यूम जनरेट किया तो एन ने उनको अवार्ड दिया था तो उनकी एक ही लाइन थी बेटा मुझे वॉल्यूम में इंटरेस्ट नहीं है मेरा सक्सेस रेशियो और मेरी प्रॉफिट्स में मुझे इंटरेस्ट तो okay. मेरे ट्रेड्स कम होते हैं लेकिन सक्सेस थोड़ा बेटर रहता है कंपेयर टू अदर्स तो मतलब हमारा एक इंट्रा डे एक स्कैल उन सबसे ट्रेड कम होगा बहुत कम होगा ओके okay, बहुत कम होगा हाँ उनके मुकाबले तो वन परसेंट ही होगा oh. स्कैल्पर तो या उतना भी नहीं होगा स्कैल्पर hmm. तो दिन के सौ ट्रेड निकाल लेता है एग्जैक्टली exactly. या उससे भी ज्यादा को चार सौ पांच सौ ट्रेड निकाल लेते हैं एल्गो पे छोड़ दो तो 400, 500, 700 पता नहीं कितना ट्रेड निकाल लेते हैं जी नहीं उतना नहीं दिन का अगर एक मिले और या महीने का दस बारह पंद्रह आई एम मोर देन हैप्पी और मैं जब भी हमेशा बात करूंगी एक रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी और उनके अकॉर्डिंग बात करूंगी जो मार्केट में अभी सीख रहे हैं नए एंटर हुए हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं एक्सपीरियंस लोगों को कमाना आता है उनको सपोर्ट देने वाले बहुत हैं और दूसरी बात ये कि आज इतने साल हो गए तो मैं जब ये कहती हूँ कि मुझे इतने साल हो गए तो इतने सालों में जो मैंने देखा है कि लोगों को कैसे डूबते हुए देखा है वाई बिकॉज उनका जो फोकस है ना वो सिर्फ एक ही है इससे टिप ले लो पैसा कमा लेंगे इससे ले लो अरे इसका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है इसका काम करेंगे अरे इसकी क्वांटिटी अच्छी है इसमें काम करेंगे उस चक्कर में बड़े बड़े लॉसेस होते हैं मैं एज अ रिटेलर ही आपसे बात कर रही हूँ अज्यूम करो कि मैं एक रिटेलर ही हूँ और एक रिटेलर ही आपसे बात कर रही है कि क्या फर्क पड़ गया अगर मैं एक या दो लॉट में काम करूँ तो मुझे पैसा कमाना है कंसिस्टेंट पैसा कमाना है एक ही साथ आज की आज सारा नहीं कमाना है तो इसलिए उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम एक दिन अपना टारगेट भी अचीव कर लेंगे क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे सब कुछ कर लेंगे लेकिन स्टार्टिंग से तो हम उतना नहीं कर सकते ना तो अब चलिए देखिए दो लाइंस बनाए एक हो गया लेटर से सपोर्ट और एक हो गया रेजिस्टेंस अगर आपको ऐसा ही सपोर्ट चार्ट में मिल जाए तो आप क्या करेंगे बाय करेंगे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा बिल्कुल राइट बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है नहीं। राइट स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मुझसे सब लोग पूछते हैं कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊं तो क्या होगा क्या होगा क्या बोलो डिलीवरी उठा लेंगे अच्छा फिर वो तो डिलीवरी जो रखी पड़ी रहेगी आपके पास उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वो टाइम में आपको जो दूसरे चांसेस मिल सकते थे वो तो रह गए hmm. जब भी हमारा ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं इसमें स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन खाली हम यहाँ पे ही नहीं आपने फ्लाइट में ट्रेवल किया यस yes. बस से ट्रेवल किया यस yes. ट्रेन से ट्रेवल किया है हाँ. इवन यहाँ तक कि आजकल जो बिल्डिंग्स बनती है हुँ. सब में इमरजेंसी एग्जिट रूट होता है हुँ. होता है यस yes. क्यों ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम बाहर निकल पाए उससे राइट तो ये चीजें हमें लाइफ में समझ में आती है yes. मार्केट में क्यों नहीं समझ में आती है और अगर तो exactly. जहाँ पे अनलिमिटेड लॉस होने का चांस है उसे तो करना चाहिए सही बात है चलिए आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं एक इंस्टेंस आप लोग को बताती हूँ आज ये प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर रही हूँ बारह अप्रैल दो को येस्टरडे इलेवेंथ अप्रैल 2024 को इट वाज अ हॉलीडे ये हॉलीडे में डोमेस्टिक मार्केट्स बंद थे लेकिन वर्ल्ड मार्केट्स ओपन थे गिफ्ट निफ्टी माइनस तीन देख के लोगों के होश उड़ गए कुछ कर तो सकते नहीं हैं आज जब मार्केट गैप डाउन हुआ और जिनकी जिनकी पोजीशंस हेज नहीं थी उनको इमरजेंसी एग्जिट करना पड़ा कितना बड़ा नुकसान हुआ वहाँ से मार्केट ने काफ़ी कवर कर लिया ऑलमोस्ट पॉजिटिव की तैयारी कर ली फिर क्लोजिंग डाउन कर दिया तो ये जो सिचुएशंस होती है ये अनहेज पोजीशंस में बहुत घबराहट होती है अगर स्टॉप लॉस पे पूछो तो मैं महीनों महीनों बोल सकती हूँ तो स्टॉप लॉस के बिना हम ट्रेड नहीं करते अब यही सपोर्ट अगर मुझे ऑप्शन चेन में मिल जाए प्लस मुझे फ्यूचर्स का डेटा भी ये बोलने लगे तो फिर तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो कैसा रहेगा तो एक स्ट्रॉन्ग कन्न आ जाएगा कन्फर्मेशन मिल जाएगा एक तरीके से कि ये सही है सही गलत कुछ नहीं होता एक कन्फर्मेशन मिल confidence रहे हैं में. ट्रेड में कॉन्फिडेंस आ जाएगा या उस ट्रेड को लेने के लिए हम जो सोच रहे हैं प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हुँ. राइट right? और साथ में ही हमको ये पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है yes. और सामने सामने मुझे ऑप्शन चेन भी बताता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है तो और मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है hmm. तो इन्हीं सबको मैं मिक्स करके हम एक सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं okay. जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था ओपन इंटरेस्ट और प्राइस ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है प्राइस इंक्रीज होता है लॉन्ग बिल्डअप होता है ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज प्राइस डिक्रीज लॉन्ग अनवाइंडिंग ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज प्राइस डिक्रीज शॉर्ट बिल्डअप ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज प्राइस इंक्रीज शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग ये हमने बताया था यस yes. राइट right. हमने एक और बताया था कि अगर मुझे लॉन्ग बिल्डअप प्लस ओपन एंड लो नियर बाय मिले तो हम बाय कर सकते हैं yes. इसमें अप्रोक्सीमेटली हम हाफ परसेंट टू पॉइंट सेवन फाइव परसेंट बेसिस रखते हैं yes. ये मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था तो हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो फिर से देख ले ध्यान से काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा तो इसी को अब कंटिन्यू करते हैं साथ में अगर मुझे इसी सपोर्ट के पास में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट मिल जाए तो ये भी मैंने समझाया था Hmm. तो फ्रेंड्स ऐसा है कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है ओपन इंटरेस्ट पे उस पर मैंने लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग फिर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट इनको एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलरेडी उसमें बताया हुआ है अब मैं उसी को कंटिन्यू करके दोनों को मिक्स करके आगे बताना चाहती हूँ तो ये हमने हाइएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट ले लिया और यहाँ पे अगर बाय चांस हमको हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट भी मिल गया तो hmm. हो गया मेरा काम yes. तो अब मैं वैसे ही hmm. जो मेरे सपोर्ट के पास में हो hmm. और उनका हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट ऊपर हो और साथ में एज पर चार्ट वो मुझे ट्रेंड दिखाते हो ऑफ सपोर्ट ओके तो देखो आज मुझे ना एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला था जो हाईएस्ट पुट ओपन के आसपास था ओके हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के इधर उसका एक डिस्टेंस था मोर देन परसेंट रेशेंट मैंने ओपन इंटरेस्ट के वीडियो में समझाया हुआ है कि मिनिमम डिस्टेंस जो है फाइव परसेंट या उससे ज्यादा ही देखूंगी उससे कम होगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगी बिकॉज इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए ना नहीं तो देखो एकदम बॉटम और एकदम टॉप तो किसी के हाथ आने वाला नहीं है तो इसलिए अगर मैं उसके पास में से भी ट्रेड ले लेती हूँ और नेट में दो तीन परसेंट भी हाथ में ले लेती हूँ तो क्या बुरा है सही बात है राइट तो अभी ये एक सपोर्ट बन गया मेरे पास हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट का और अगर चार्ट भी मुझे सपोर्ट देता है अब ये सपोर्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है चार्ट पे कैसे हो सकता है मान लो ऐसे 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 ट्रेंड लाइन है तो ये एक सपोर्ट हो सकता है hmm. अगर इस तरह से मूव हो रहा है तो ये एक सपोर्ट हो सकता है yes. अगर इस तरह से मूव हो रहा है hmm. तो ये एक सपोर्ट हो सकता है hmm. इसी तरह से एक ट्रेड आज जो मैंने देखा वो ये है आपको यहां से दिखाते हैं आज हल में मुझे एक ट्रेड दिखा तो मैंने क्या किया ये टॉप और ये टॉप राइट ये दोनों को जब मैं ज्वाइन करती हूं तो क्या मेरे एग्जैक्टली exactly एक सपोर्ट मिल रहा है आज ये आज का ही है हाँ। राइट अब मुझे नहीं पता आपकी यहां पे ये एडिटिंग कब होगी और कब रिलीज होगा मैं नहीं जानती लेकिन जो मेरे सामने आ आया वो मैं आपको बता रही हूं राइट अब यहां पर मेरा एज यूजल आर एस आई इंडिकेटर है वो okay. है आपको क्या प्राइस दिख रही है मैंने कहा था ओपन एंड लो नियर बाय होना चाहिए तो यहाँ पर देखकर मुझे बताइए ओपन एंड लो नियर बाय है ओपन इज थ्री फाइव सिक्स थ्री पॉइंट वन जीरो लो इज थ्री ट्रिपल फाइव पॉइंट सिक्स फाइव जो कि हाफ परसेंट के अंदर अंदर ही है राइट yes. right? Hmm. तो ओपन एंड लो नियर बाय है ओके yes. okay. अब मुझे क्या देखना है इसमें साथ में कि क्या मैं हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट के पास हूं कि नहीं हूं hmm. okay. अभी मैं यहां पर आती हूँ ये देखिए ये हल्का ऑप्शन चेन खोला है राइट ठीक okay. है। और यहां पर मैं स्क्रीन ले लेती हूँ ये ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है सिर्फ राउंड स्ट्राइक्स में ही आपको लिक्विडिटी मिलेगी बाकी जो अगर ऑड स्ट्राइक्स होगी तो थोड़ा इलिक्विड हो जाता है hmm. आप देखेंगे जो ऑड स्ट्राइक्स है वो थोड़ा इलिक्विड हो गया है। hmm. राइट? Right? इसमें आपको वॉल्यूम कम मिलेगा तो ये है पुट साइड yes. ये है कॉल साइड यहाँ पे हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है हम्म hmm, 3 uh, 3500 पे दिख रहा है एकदम बिल्कुल 3500 के पास में दिख रहा है यस yes. और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है पहला वाला थर्टी 3700 हम्म hmm. फिर ये और फिर ये हमारे पास मोर देन फाइव परसेंट का डिस्टेंस है हां है ना ये 5 8 10% का डिस्टेंस है yes. राइट वी कैन मूव अहेड वी कैन मूव अहेड राइट तो इस तरह से क्या हम काम कर सकते हैं इसको यूज करके जी। यहाँ पे भी है लेकिन या, यहाँ पर हम नहीं किए अब मैं क्या करती हूँ चार्ट खोलते हैं और चार्ट में मैं साथ में एक ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर लगा रखी है। ओके मुझे क्या चाहिए लॉन्ग बिल्डअप में कि ओपन इंटरेस्ट बढ़े और प्राइस भी बढ़े और दिमाग लगाना है Yes. नहीं लगाना है क्योंकि हरा कलर है इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है ओके okay. तो यहाँ पर मैं इसको आपको थोड़ा बड़ा करके सिखा बताती हूँ तो यहाँ पर क्या है कि रेड कलर जो है hmm. वो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज दिखाता है ओके okay. और ग्रीन कलर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज दिखाता है तो मेरा एक काम तो यही पे पूरा हो गया अब यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है कैंडल में ओपन hmm. लो दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है तो मेरा ये काम तो पूरा हो गया यही का यही और अब मैं सीधे सीधे ऑप्शन चेन में जाके एक सेकेंड में देख सकती हूँ कि क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग में ट्रेड ले सकती हूँ ठीक है मुझे ये ढूंढने में टाइम लगता है लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मुझे महीने के दस ट्रेड भी मिल जाए तो आई एम हैप्पी तो मैम ये इनिशियली जो स्टॉक्स हैं उन्हें स्क्रीन करेंगे कैसे हम हाँ तो इनको लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप के हिसाब से स्क्रीन करना मैंने ओपन इंटरेस्ट के वीडियो में सिखाया था ना ओके okay, तो उस वहां से, तो से मैंने लॉन्ग बिल्डअप के सारे स्टॉक्स ले लिए ठीक है शॉर्ट बिल्डअप के सारे स्टॉक्स ले लिए एक-एक को बैठ के देख लेती हूं ओके okay, ये हमको मैन्युअली ऐसा देखना पड़ेगा थोड़ा देखिए ऐसा है सब चीजें तो एक जगह हो जाए ये थोड़ा डिफिकल्ट है जो लोग कोडिंग जानते हैं वो ये सारी चीजें कोड कर सकते हैं एल्गो बना सकते हैं जो करना है कर सकते हैं लेकिन इनिशियल uh, स्टेज पे जब हम नए आते हैं सीख रहे हैं काम कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में तो हम मेहनत करके ही निकालेंगे ना बिल्कुल ना तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये हाँ। देखो मेरा सेटअप पूरा बैठ रहा है ग्रीन के साथ ओपन इंटरेस्ट मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तो साथ में आप देखिए कि आर में भी एक ब्रेकआउट आया है हल्का सा सब कुछ मेरे फेवर में आ गया

यहाँ पे नीचे कौन सा कलर है उसके साथ में उस कैंडल के कंजंक्शन में रेड रेड है मतलब ये क्या दिखा रहा है ये प्राइस इज गोइंग अप ओपन इंटरेस्ट इज कमिंग डाउन मतलब शॉर्ट okay. कवरिंग दिखा रहा है ना यस लॉन्ग बिल्डअप नहीं दिखा रहा है okay. मुझे ग्रीन के साथ ग्रीन चाहिए अच्छा ग्रीन के साथ चाहिए. Long मतलब ग्रीन चाहिए मतलब जब भी मैं ट्रेड ले रही हूं चाहे शॉर्ट बिल्डअप का हो चाहे लॉन्ग बिल्डअप का मुझे ग्रीन ही चाहिए नीचे बिकॉज़ okay. तो hmm. अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो कि आपको एक प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाई करना चाहिए या सेल और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शन में कैसे ट्रेड करना चाहिए अब के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सिखाए हैं तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए और मैम ओपन इंटरेस्ट वाली जगह पे भी बहुत डिप्स आ रहे हैं सडन सडन ये हाँ, लाल ये कलर के यस मैम ये तो आपका ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है ना ओके ओपन तो इंटरेस्ट कम होगा तो वो ऐसे एकदम सडन डिप आ जाएगा सडन नहीं है देखिए डे बाय डे है आपका आते जा रहा है डेली और फिर ऐसा अचानक से स्पाइक ये स्पाइक हां स्पाइक का डेट क्या है ये जनरली जो स्पाइक आती है हुँ. आप देखो ये डेट क्या है 28 मार्च मतलब जो ये जो आप देख रहे हो ना उसके जो स्पाइक वहां से स्टार्ट होती है यहाँ पर 28 मार्च है ठीक है okay. यहाँ पे क्या है ट्वेंटी नाइन ओके यहाँ पे क्या है ये सब थर्सडे है तो शायद एक्सपायरी है यस नाउ यू गॉट इट तो मतलब एक्सपायरी पे जो नया सेटलमेंट पे या रोल ओवर होंगे या नए डे पे जो पूरी आपका पोजीशन जाएगा तो ओपन इंटरेस्ट तो बड़ा जोर से बढ़ेगा ना वहाँ पे और ये जो आप देख रहे हो ये लास्ट वीक है मोस्टली जहाँ पे आपके करंट के सारे ओपन इंटरेस्ट कम होंगे बिकॉज ब्रोकर जनरली अलाउ नहीं करते हैं लास्ट वीक पे ट्रेड करना हाँ। तो ये भी आपको आइडिया दे देंगे देखो कंटिन्यू ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो अब इस तरह से मैं ये बाय का कॉल निकाल सकती हूँ yes. अब इसके ऊपर मैं बुल कॉल स्प्रेड भी बना सकती हूँ कॉल भी बाय कर सकती हूँ कुछ भी ट्रेड ले सकती हूँ yes. पॉजिटिव साइड पे स्टॉप लॉस राइट चलिए ऐसा ही एक ट्रेड हम शॉर्ट बिल्टअअप के लिए निकालते हैं ओके okay. तो शॉर्ट बिल्टअअप में मेरे पास क्या हुआ फिर से रेजिस्टेंस hmm. और विथ हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट ओके okay. विथ शॉर्ट बिल्टअअप Hmm. और फिर चार्ट में क्या चाहिए मुझे या तो ये वाला रेजिस्टेंस hmm. या फिर ये वाला रेजिस्टेंस hmm. राइट या ये वाला रेजिस्टेंस यस। yes. तो ये सब रेजिस्टेंस हैं? हम्म। hmm. अच्छा उसमें और इसमें क्या हुआ कि दो दिन पहले ही मेरी स्टडी में आया था इसलिए मुझे पता है सिप्ला सिप्ला दो दिन पहले ही मेरी स्टडी में आ गया था राइट मार्किंग देख रहे हैं आप यहाँ पे भी मार्किंग देख रहे हैं आप राइट तो पहला मार्किंग इसका आया था यहाँ पर अब इसको अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे ओपन और हाई दिख रहा है मैं जब भी मैं ओपन और हाई की बात करती हूँ या ओपन और लो की बात करती हूँ आप इधर नजर रखिए ठीक है तो क्या आपको यहाँ पे ओपन और हाई दिख रहा है yes, दो या तीन दो, दो तीन पॉइंट का फर्क है मैम yes, राइट right? क्या लेवल है ऑप्शन चेन और इसको भी हम देखते हैं ये मैंने दो दिन पहले देख लिया था वेडनेसडे को ओके okay. राइट तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है राइट फिफ्टीन 1500 पे 1500 के पास में हुँ. उसके साथ हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है 1400 पर. 1400 और एक यहां पे हुँ. राइट तो इसको अगर ये क्रॉस करके नीचे चला जाता है तो मेरा फर्स्ट एक्सपेक्टेशन 1400 है अगर देखोगे ना तो मार्केट 1400 के पास में काफी रुका हुआ था उसके नीचे जल्दी से ब्रेक करने को तैयार नहीं था आपको चार्ट पे दिखाती हूँ यहाँ पे हो गया ये एच सी ओ आई ये हो गया एचपीओ आई ये मेरा ओपन हाई प्रीवियस सपोर्ट वॉज माई फर्स्ट टारगेट अब उसको भी इसने आज ओपन हाई के साथ तोड़ा है, है, है देखो ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम है यस yes, टिका है hmm. मतलब में है, है है, और भी भी, मतलब में ये देखो, आज आज ठीक देखो इसने लो जो बनाया है, वो 1391, 1400 के आसपास हुआ okay. यहाँ से अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ तक जा सकता है मैंने क्या किया ऐसी situation में लेट से मैंने एक पुट ले लिया hmm. और आज जब मुझे उसमें ऐसा लगा कि भाई यहाँ से घूम भी सकता है और कंटिन्यू भी कर सकता है तो मैंने उस बाय पुट को बेर पुट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो मेरी कॉस्टिंग कम हो गई ओके, okay. वो कैसे किया आपने? हाँ वो मैंने कैसे किया लेटेस्ट से मैंने चौदह का पुट लिया था वेडनेसडे को okay. और वो मैंने पुट लिया था अप्रोक्सीमेटली सेवेंटीन रुपीज में लिया था okay. राइट अभी जब वो घूम रहा था तो यहाँ पर अगर मैं तो यहाँ पर बेच दिया मैंने तो मेरी कॉस्टिंग कम हो गई ऑटोमेटिक फोर रुपीज के आसपास हो गई okay. साढ़े तीन चार रुपए की कॉस्टिंग हो गई हाँ. अब मैं उसमें खड़ी रह सकती हूँ मान लो प्राइस वापस ऊपर आ गया तो भी पोजिशन काटूंगी तो मुझे लॉस तो नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि वो वाला प्रॉफिट दे जाएगा मुझे तो अल्टीमेटली मैंने अपनी पोजीशन को थोड़ा हेज किया तो मैम जो टारगेट है वो वाला पुट क्यों किया अभी भी कितनी तारीख हुई है और... जब मैंने ट्रेड लिया था दस तारीख थी तो मेरे हाथ में ऑलमोस्ट फिफ्टीन डेज थे ना तो थोड़ा भी मूवमेंट जो मैंने कहा पाँच सात परसेंट आता है और उसमें मुझे बेनिफिट हो सकता था दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने ऑप्शंस में दस से बारह हजार रुपए का पर लॉट वही ऑप्शन खरीदती हूँ जो जिसमें मेरी कॉस्टिंग जो है वो दस से बारह हजार से ऊपर ना जाए ओके विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट ओके और अगर उसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया अब मैंने हुँ. अब मेरे लिए वो नो no रिस्क वाला ट्रेड हो गया ऑलमोस्ट नो रिस्क वाला ट्रेड हो गया तो उसमें मेरी मैक्स रिस्क अगर वर्स्ट सिनेरियो कल को अगर सिप्ला

मतलब सेल का प्रीमियम खत्म हो जाए तो मैं सेल को स्क्वायर ऑफ कर दूं और बाय वाला जो है पुट वो खड़ा भी रहेगा मैं वो रिस्क लेने को तैयार हूं तो ले लूँगी लेकिन ऐसा नहीं करूँगी कि बाय वाले में मुझे प्रॉफिट हो रहा है या बाय वाले में लॉस हो रहा है तो मैं बाय वाला स्क्वेयर ऑफ कर दूं सेल वाला खड़ा रख दूं क्योंकि तो उसमें मुझे अनलिमिटेड लॉस होने का चांस हो सकता है hmm. तो मैं मैं वैसा नहीं करूंगी। But preferable मैं दोनों को साथ में square off करूंगी। yes, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन practice हाँ। से आ जाएगा। थोड़ा सा तो confusing है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी पे मास्टरी करनी पड़ेगी yes, मैंने इस पे बनाए हैं बिल्कुल तो फिर use करो उसको। yes, सब सब कुछ तो सिखाया है मैंने आपको yes, उसके बाद भी मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप लोग को भी बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आपके कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स अभी मैं आजकल क्या कर रही हूँ कि बहुत लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में इवन आपके हैं तो आप भी डालिए मैं सिर्फ वो डाउट्स लेके और उन पर भी वीडियो बना रही हूँ तो आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं इसलिए जो भी हो आपको जो भी क्वेरी आए आपको समझ में नहीं आया हो तो बेझिझक मुझसे पूछिए मैं आप लोगों को समझाऊंगी कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आप लोग को हमेशा समझाते रहूं जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगी मैं जिस स्टाइल में ट्रेड करती हूं टेक्निकल्स और ऑप्शंस को मिक्स करके या टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स पैटर्न्स ये सब देख के उसके साथ साथ में फ्यूचर्स डेटा ऑप्शन डेटा वो सब मिक्स करके कर सकती हूँ एक चीज और जब तुम देखोगे ना यहाँ पे तो क्या आपको ये एक राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न नहीं बन रहा है ठीक yes, है एक और चीज दिखाते हैं आपको चलिए अब जब हम आपको दिखा रहे हैं तो एक और चीज दिखाते हैं क्या ये होल पोर्शन जो है आपको हायर हाइज बनते हुए दिख रहा है हाँ और ये होल पोर्शन जो है अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है पर क्या आप कॉन्फिडेंट लिए एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शन में कैसे ट्रेड करना चाहिए अब के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ सिखाए हैं तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए मैम इसमें हम रिवर्सल स्पॉट कर सकते हैं तो मैम जैसे ये हायर हाई बनाया जा रहा है फिर उसके बाद वो नीचे जाने लग गया लो, लो बनाने लग गया बट वो कब तक हायर हाई बनाएगा अच्छा वो? एक बात बताओ यहाँ पे टॉप में ये बारह मार्च के आसपास की बात है राइट right? यहाँ पे ओपन हाई है हाँ, रुपए के yes, करीब हाँ, का डिफरेंस है ओपन इंटरेस्ट बिल्ट अप है राइट शॉर्ट बिल्ट अप दिख रहा है हाँ. ये एक ही दिन में आपको बेनिफिट दे गया और okay. मैंने आपको बताया कि जनरली वो फाइव डेज फाइव टू सिक्स ट्रेडिंग डेज हम उसको रख सकते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देख ओके ये तो काफी अच्छा मूव कैप्चर हो सकता है इसमें बिल्कुल अब यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है लेकिन ग्रीन के साथ आपको रेड दिख रहा है नीचे हाँ। मतलब ये लॉन्ग बिल्डअप नहीं है ये शॉर्ट बिल्डअप नहीं, हाँ। नहीं है ये भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं है क्योंकि मंथ एक्सपायरी हो रही है हाँ। तो इसको इसके साथ मैच करो फिर वापस यहाँ पे ये ओपन हाई Hmm. लेकिन रेड है yes. मतलब शॉर्ट बिल्डअप नहीं है ग्रीन होना चाहिए ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज जब इंक्रीज होता है तो ग्रीन कलर आता है hmm. जब डिक्रीज होता है तो रेड कलर आता है hmm. यहाँ पे नहीं यहाँ पे नहीं यहाँ पे नहीं यहाँ पे है लेकिन ओपन और हाई से नहीं है राइट hmm. right? यहाँ पे नहीं यहाँ पे है hmm. यहाँ पे है पे पे है समझ में में आ गया मैम वो शॉर्ट ये मॉर्निंग नहीं था हाँ, ओके मॉर्निंग में जब मैंने देखा था तब ये शॉर्ट बिल्डअप में नहीं था ये शाम को हुआ था अच्छा इसलिए मैंने सेकंड डे का वेट किया ये जब मैंने मॉर्निंग में देखा था तो शॉर्ट बिल्डअप में नहीं था ओके तो ये ओपन हाई दिखा रहा था और लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा था तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट्री हो रहा है ओपन हाई विध लॉन्ग बिल्डअप नॉट अलाउड तो मैंने इसको ट्रेड नहीं लिया था okay. जब ये शाम तक मुझे दिखाया तो मैंने कहा लेट्स वेट फॉर अनदर डे फिर दूसरे दिन मैंने इसका ट्रेड लिया वन डे दैट्स ऑल। तो वेडनेसडे को ये ट्रेड मुझे अच्छा मिला hmm. आज मुझे हल्का मिल गया कौन सा हमको सारा पैसा एक ही दिन में बटोरना है आराम hmm. से धीरे धीरे काम करेंगे ना रोज एक ढूंढेंगे कमाएंगे मैम मैं जैसे देख रहा हूँ ये धीरे धीरे काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है तो होगा ही ना भाई मैंने क्या कहा जितने मेरे व्यूअर्स उसको लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ उनको और कुछ एडवांस देना चाहिए तो जिस जिस टॉपिक पे हाईएस्ट लाइक्स आए हैं मैक्सिमम लाइक्स आए हैं उनका एडवांस टॉपिक बनाऊंगी और जब मैं एडवांस में जाऊंगी तो बट नेचुरली एडवांस जो होगा वो बेसिक से थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स होगा सही बात है मैम

ओके okay, तो, मैं सिखाने के लिए कभी मना नहीं करूँगी लेकिन मेरी एक शर्त है अगर उस शर्त को आप एक्सेप्ट करता है कोई भी तो आ सकता है कि अगर मैं आपको सिखा रही हूँ या मैं अपना हंड्रेड परसेंट दे रही हूँ तो मुझे आपसे टू हंड्रेड परसेंट चाहिए तो, मैं अगर तो, सिखाने की मेहनत कर रही हूँ तो सामने आपको उतना प्रैक्टिस करके मुझसे क्वेश्चन आंसर्स पूछकर अपने आप को तैयार करना है प्रूव करना है कि आपने जो सीखा है ना वो यूज़ कर सकते हैं और उसका जो पर्पस है ना सीखने का बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि लाइफ में आगे, आगे आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े आपको किसी से पूछना नहीं पड़े कि मार्केट क्या लगता है Hmm. तो जो आ रहे हैं वो एकदम जो सीरियसली ट्रेडिंग को लेते हैं वही आए वही आए, आए उसके अलावा मत आए अगर रातों रात मार्केट का सपना देखना चाहते हो या रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखना चाहते हो तो ना आए बिकॉज ये मार्केट बहुत डेंजरस है अगर हम रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते अगर हम स्टडी नहीं कर सकते हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में जब हम लापरवाह जिस दिन होते हैं ना उसी दिन पता चल जाता है कि भाई ठोक डाला मार्केट ने तो मतलब एकदम जेन्यून नॉलेज है और उसके साथ है मतलब कोई हवाई बातें नहीं है कि जो जेन्यून नॉलेज है जिनको वो सीखना है तो वही इस मेंटरशिप में आए सीखने से ज्यादा उसके बाद भी उसको उसी ढंग से यूज करना है डिसिप्लिन हंड्रेड फॉलो करना है yes, मतलब स्टॉप लॉस लगाना है स्टडी बताए तो ट्रेड लेना है ट्रेड मिस हो गया तो उसके पीछे भागना नहीं है ट्रेड हाथ में आए अपने लेवल पे तो लेना है, और फिर लॉस हो गया तो उसमें लॉस क्यों हुआ वो स्टडी भी करना है ओके ना। ये सब अगर तुम कर सको तो आना तो मतलब काफी कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा मेरे ख्याल से आप अपने स्टूडेंट से पूछ लो जिन्होंने मेंटरशिप किया है क्योंकि मैम ऑप्शंस वालों ने तो काफी ज्यादा तारीफ करी है और मैम उनका ये भी मैसेज आया कि, कि किस तरीके से आप हैंड होल्ड करते हो हर एक ट्रेड पे गाइड करते हो और इतना टाइम निकालते हो और डेडिकेटेडली पढ़ाते हो तो उससे वो काफ़ी ज्यादा खुश हैं और काफ़ी बच्चों ने इसके लिए भी रिक्वेस्ट किया कि टेक्निकल्स भी अगर हमें सीखना है तो अगर मैम ही पढ़ा दे तो उससे बेटर क्या होगा थैंक यू माई फ्रेंड्स और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे अपने क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं इसे भी एडवांस बना दूँगी आप पूछते जाइए लाइक करते जाइए आगे आगे बढ़ते जाएंगे राइट थैंक यू वेरी मच